हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, आपको देख के लग गया होगा क्या करने वाले हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहले जो हम लोगों ने किया था वो कंडीशनल था प्रोबेबिलिटी, ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे को करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में हो या आईएससी बोर्ड में, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। काफी ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जो इवेंट होगा उससे दो इवेंट रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था प्रोबेबिलिटी में, e अपॉन f इज इक्वल टू p, e इंटरसेक्शन f अपॉन pf, यही देखा था हम लोगों ने, वेयर जो pf होगा ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो p e इंटरसेक्शन f यानी कि कॉमन चीज है ना, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन वाली चीज है जो e और f दोनों के लिए कॉमन, इसको हम लोग PEF भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, PEF यानी कि एक साथ हो रहे हैं दो इवेंट, कॉमन चीज है दोनों में कुछ ना कुछ, इंटरसेक्शन है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है दोनों। तो इसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, है ना, PEF ऑन एफ मल्टीप्लाई बाय पी एफ, ठीक है ना, ये मिल गया मल्टीप्लाई करके, तो दो इवेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पीई बाई एफ का क्या मतलब है और पी एफ का क्या मतलब है, पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो चुका है इंटू पीई बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा कब, जब एफ हो चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, है बड़ा सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है ये, तो हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो दो इवेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना आपको समझना है, ये दो इवेंट मिलके ही एक कंप्लीट इवेंट बनाता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि एक बड़े इवेंट में दो छोटे इवेंट छुपे हुए हैं, दो छोटे इवेंट हो रहे हैं। ठीक, सिंपल है ना, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ई इंटरसेक्शन एफ डिनोट्स the simultaneous occurrence of the events E and F. E both event E and F एक साथ हो रहे हैं, both events कौन कौन से, E and F are happening together अलग अलग नहीं हो रहे हैं बल्कि एक साथ ही हो रहे हैं, दोनों इवेंट हो रहे हैं। ठीक है ना, चलो, और यहां लिखा हुआ भी है ना, इंटरसेक्शन एफ इज ऑल्सो रिटन एज ई एफ, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो, तो हमें थोड़े से एग्जाम्पल अगर कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अर्न मीन्स झोला, अगर आप झोला ऐसे बनाते हो तो झोला ऐसे बना लो, ये झोला नहीं लग रहा है ना, ये ज्यादा अच्छा झोला लगेगा ऐसा। चलो अब तो ऐसे ऐसे झोले आते हैं बैग में टांग लो, बैकपैक, तो आज के जमाने का झोला यही है। तो क्या बोलेंगे, 10 ब्लैक 5 व्हाइट, ठीक है ना, आज के जमाने के झोले में मैंने क्या डाल दिया, 10 ब्लैक बॉल 5 व्हाइट बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न, ठीक है ना, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले एक बॉल निकाला, ठीक है ना, पहले हमने एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला, ठीक है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, तो हमारे को ब्लैक के लिए काम करना है। ठीक, तो टोटल फेवरेबल केस क्या है, ब्लैक के लिए 10 है और ब्लैक के लिए टोटल, और टोटल बॉल कितने है, 15 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको बना ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने की 10/15, सीधी सी बात, बहुत ही इजी है ये 10/15। जब हमने
ब्लैक बॉल बाहर निकाल लिया तो दूसरा इवेंट होने वाला है, दूसरा बॉल भी निकालना है, दूसरा भी ब्लैक होनी चाहिए, ये जो दूसरी बॉल है ना दैट शुड ऑल्सो बी ब्लैक। तो दूसरा इवेंट यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो इवेंट पूरा होगा। पहला इवेंट हमने एक बॉल निकाल लिया, लेकिन यहां तो दो इवेंट हो रहे हैं, दो बॉल निकाल रहे हैं वन बाय वन, दो बॉल निकाल रहे हैं ना वन बाय वन, तो 10/15 ब्लैक होने के लिए 10/15। अगर ये बोलता कि व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो क्या बोलते हैं, 5/15, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो फिलहाल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है तो 10/15। तो अब आपने एक ब्लैक पहले निकाल लिया है और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको आपने रखा नहीं है, बॉल लेके चले गए खेलने, तो आपके पास अब 9 बचे हैं, 9 ब्लैक बॉल बचे हैं और टोटल हो जाएंगे 14। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 9/14 हो गया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, पहले ब्लैक थे 10 बॉल, तो पहला क्या था ना, पहले जब निकालेंगे तो 10 में से ही तो निकालेंगे, तो 10 लिखेंगे ऊपर और टोटल बॉल कितने हैं 15, तो 15। दूसरी बार में भाई एक बॉल निकाला खेलने चले गए, तो अब 10 ब्लैक बॉल तो रहा नहीं, अब तो 9 रहा ना, तो 9 लिखेंगे न्यूमरेटर में, टोटल कितना है 14, तो 14 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, बात खत्म। दोनों इवेंट एक के बाद हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है ना। चलो दूसरा करके देखते हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। बहुत सारे बच्चों को आता है वो कार्ड खेलने, मुझे थोड़ा बहुत आता है, प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने सीख लिया वैसे थोड़ा बहुत। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द 3rd कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो कार्ड में बच्चों क्या है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें रखना नहीं है, कार्ड को लेके भाग जाना है। फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स। अब देखो किंग टोटल 4 होते हैं, ठीक है ना। कार्ड्स के बारे में इतना तो मालूमात हासिल करके रखो कि किंग्स कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, इतने तो आपको कार्ड्स के बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो 4, अब टोटल कितने हैं 52। तो पहला किंग आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, दूसरा भी किंग, तीसरा एस, ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो पहला किंग निकाला तो किंग 4 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स 4, टोटल जो हमारे फेवरेबल केस है वो 4, लेकिन सैंपल स्पेस कितना है, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो डिवाइड बाय 52। अब एक किंग आपने निकाल लिया तो 4 किंग में से 3 किंग बचे ना, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे 3 किंग, अब 52 की जगह 51 लिखना पड़ेगा, एक कार्ड तो निकल चुका है तो ये 51 हो गया, ठीक है ना, ओके। तीसरा है एस, इक्के तो 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं ना, इक्के भी 4 होते हैं, आप सर्च करके आराम से इसको देख लो, किंग 4 होते हैं ना, होते हैं 4। अब क्या करें, एस तो 4 होते हैं, तो 2 कार्ड तो पहले निकल चुके हैं ना, तो 51 था लास्ट, वहां से निकाला था आपने, तो 50 बचा आपके पास, तो आप यहां 50 से मल्टीप्लाई, ऐसे 4/50, पहला किंग, दूसरा भी किंग, तीसरा एस है तो 4 एस होते हैं, तो 4 फेवरेबल केस डिवाइड बाय सेंट्रल स्पेस, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई पूरी की पूरी इस क्वेश्चन की। तो मल्टीप्लाई तो करना है आपको, है ना सिंपल। चलो आगे करते हैं एक्सरसाइज, ये हम लोगों ने इंट्रो वीडियो ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप समझ जाओ बेसिक्स को, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाले वीडियो में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।